नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का पार्ट टू है। दोस्तों, पार्ट वन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री अशरफ अली थे। फिर दोस्तों अगला है, देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। और दोस्तों इसके बाद है, फिर रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा का है। दोस्तों फिर इसके बाद अगला है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन 1882 में हुआ था। अगला है दोस्तों, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है, जो सर्वप्रथम 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली से झांसी के मध्य चलाई गई थी। फिर इसके बाद अगला है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी बम्बई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। और दोस्तों अगला है, फिर रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 से लागू हुआ। इसके बाद फिर दोस्तों अगला है, रेल यात्री बीमा योजना 1994 से प्रारंभ हुई। इसके बाद दोस्तों अगला है, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दोस्तों अगला है, देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे की लंबाई सबसे कम है। दोस्तों फिर इसके बाद है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल डेहरी आनसोंग बिहार में है। अगला है, भारतीय रेलवे में प्रथम ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है, समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है, जबकि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। अगला है दोस्तों, रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1969 को मोटा घाट बम्बई पुणे मार्ग में हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगला है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला है दोस्तों, देश का एकमात्र पुराना चालू इंजन फेरी क्यून 1855 का है। इसके बाद दोस्तों अगला है, जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। और दोस्तों फिर इसके बाद अगला है, रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुई। अगला है दोस्तों, पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ। इसके बाद है, भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1977 को प्रारंभ की गई। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।